हाय स्टूडेंट्स सो बोर्ड 2024 बस कुछ टाइम ही रह गया है एंड आई नो दैट बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में अब ये कंसर्न भी होगा बिकॉज स्कूल्स स्टार्टेड अगेन नाउ आफ्टर द समर वेकेशन पीरियोडिक टेस्ट भी हैं जब पीरियोडिक टेस्ट जब तक खत्म होंगे वी हैव आर मिड टर्म्स ऑल्सो सो काफी सारी चीजें लाइंड अप है और इतना टाइम अप नहीं है सो कब किस मंथ में कैसे पढ़े हाउ टू मैनेज स्कूल के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी मैनेज कर लें टेस्ट भी मैनेज कर लें मिड टर्म्स भी मैनेज कर लें एवरीथिंग इज देयर टाइम पर सिलेबस भी हो जाए सो आई नो देू है अट्ड ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड दैट्स वाई आई एम हयर टू टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी कि आपको कब किस मंथ तक कितना सिलेबस सिलेबस कवर कर लेना चाहिए कैसे कवर करना चाहिए स्कूल के साथ आप कैसे मैनेज करोगे प्रॉपर टाइम टेबल अब क्या होना चाहिए नाउ दैट द समर वेकेशन आर ओवर ईच एंड एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो 99 परसेंट अगर प्लस हमें स्कोर करना है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आई I मीन mean, हर साल काफी टॉपर्स ये मार्क्स लेकर आते हैं कुछ तो स्ट्रैटेजी होती होगी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड वो लास्ट के एक या दो महीना पढ़ते हैं एंड द स्कोर 99 परसेंट मार्क्स ये तो पॉसिबल नहीं है सो so, वो स्ट्रैटेजी क्या है ईच एंड एवरी आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट एक बार देखते हैं प्रीवियस ईयर रिजल्ट रहे कैसे हैं सो इफ यू सी कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में रजिस्टर किया फॉर इफ आई टॉक अबाउट स्कूल्स सो आप टेंकूल देख सकते हैं

वट दिस सेशन इज अबाउट सो हमें ये अभी तक ये पता है कि हमारे बोर्ड के लिए जो हमें सी भी ऐसी डेट मिली है दैट इज फेबर फिफ्टींथ राइट अभी तक हम इसी डेट को मानते हुए चल रहे हैं सो फेब्रुरी फिफ्टींथ बट फेब्रुरी फिफ्टीन से तो एग्जाम स्टार्टिंग डेट है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फोर्टीन फेब्रवरी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे होंगे या जनवरी एंड तक सिलेबस कर रहे होंगे एप्सोल्यूटली नॉट बिकॉज उससे पहले कहीं एग्जाम्स हो चुके होंगे तो हमारी अपने लिए हम एक डेडलाइन सेट करते हैं

राइट right? और फेबररी के अंदर हमारे फाइनल्स हैं फिफ्टीन फेब्री से हमें तब तक पता है बट हमारी डेडलाइन क्या होनी चाहिए हमारी डेडलाइन है कि मैक्स टू मैक्स हम अपना सिलेबस नवंबर तक फिनिश कर लें नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए ये हमारी डेडलाइन है सो so, हमारे पास ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये हमारे पास फाइव मंथ्स हैं इन फाइव मंथ्स के अंदर हमें यूनिट टेस्ट भी देना है मिड टर्म्स भी करने हैं क्योंकि दिसंबर के अंदर यू हैव योर प्री बोर्ड जिसमें आपका फुल सिलेबस होगा तब तक यू हैव टू बी प्रिपेयर सी वन थिंग आई वॉन्ट टू एड ऑन योर की बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने प्री बोर्ड्स को मिड टर्म्स को सीरियसली लो जब कहते हो ना खुद को इवेल्युएट कैसे करें दिस इज द बेस्ट वे टू टूल सेल्फ टू टेस्ट योर सेल्फ अब तक कितना आता है बिकॉज वहां पर जो चेकिंग होगी पूरी उस अकॉर्डिंग होती है जैसे आई मीन बोर्ड से ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग ही करेंगे आपके टीचर्स सो अगर यहां इतना स्कोर कर रहे हो तो बोर्ड में तो इनफैक्ट आप बेटर स्कोर कर सकते हो सो so प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है सो मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेड बिफोर योर मिड टर्म्स बिफोर योर प्री बोर्ड्स ठीक है सो so, इसको प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द सिलेबस हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश इंग्लिश के अंदर यू हैव ट्वेंटी सेवन चैप्टर्स मैथमेटिक्स में वी हैव फोटीन चैप्टर्स साइंस में फिफ्टीन चैप्टर्स सोशल साइंस में ट्वेंटी टू चैप्टर्स हिंदी और अदर लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इसलिए फिल नहीं करा बिकॉज हो सकता है किसी ने हिंदी लिया है किसी के पास संस्कृत है डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपने अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं सो so, रफली मेरे को ये तो करना ही करना है राइट प्लस दिस सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी जितने भी चैप्टर्स होंगे सो so, इतने चैप्टर्स मेरे पास इन ऑल अब तक आ चुके हैं अब मैं इसे बाइफरकेट कैसे करूँ राइट right? ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले आपको सिलेबस पता लग गया अब आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपने चेक करना है एग्जाम पैटर्न हर एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसका एग्जाम पैटर्न चेक करिए एग्जाम पैटर्न आप कैसे चेक कर सकते हो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आपको सीबीएसई की साइट पर मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर राइट right? आप उस पर जाइए उस पर जाकर एग्जाम पैटर्न पहले आपने इंग्लिश का चेक करा कैसे आया हुआ है राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है मैथ्स पेपर में कितने सेक्शंस हैं किस सेक्शन कितने कितने मार्क्स का आता है एमसीक्यूज कितने आते हैं असर्शन रीजन कितने आते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितने आते हैं एवरी यू हैव टू बी फेमिलियर विद प्रॉपरली आपको अच्छे से आपके टिप्स होना चाहिए कि एग्जाम एक का पैटर्न क्या है फर्स्ट चीज़ सबसे पहले ये करो अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसके बाद आप चेक करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मतलब कि हर किसी का सेक्शन ए का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है सेक्शन बी का क्या है टू मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लाइक दिस आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स चेक करेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट वन वेटेज अब आप एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैथ्स का ही अब आप कहो कि आप रियल नंबर्स के ऊपर इतनी जान लगा रहे हो आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो रियल नंबर्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल नंबर्स की वेटेज क्या है और आपने रियल नंबर्स के चक्कर में ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ा हुआ है सो so आपको वेटेज वाइज जाना है कि वेटेज किसकी ज्यादा है मुझे कहाँ पर ज्यादा एफर्ट करना है अपना स्मार्ट वर्क बेसिकली आपको स्मार्ट वर्क करना है

हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लिया सब कुछ देख लिया अब आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे पढ़ने बैठना है लेट सपोज आई वांट टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री बट मेरे स्कूल टीचर ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराया या करा दी और मुझे समझ नहीं आया सो वॉट टू डू आपको सबसे पहले या आपको स्कूल से आगे चलना है द बेस्ट थिंग आपको स्कूल से आगे चलना है अपने रिसोर्सेज का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से मुझे पढ़ना है सो so, पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी एन एनसीआर टी कोई भी सब्जेक्ट हो बी इट इंग्लिश सोशल साइंस साइंस मैथ्स वट एवर सबसे पहले आप स्टार्ट करो एनसीआरटी से वाई आई हैव एडेड एक्जाम्पलर हियर बिकॉज मैथ में जिन लोगों ने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया उनके लिए एग्जाम्पलर वो बच्चे करें बेसिक मैथ्स में करने की जरूरत नहीं है एंड सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको एग्जाम्पलर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती नीदर इन इंग्लिश नॉट इन सोशल साइंस राइट आप साइंस के अंदर फिर भी आप एक्जाम्पलर से क्वेश्चन ट्राई आउट कर सकते हैं बट मेन आपका रहेगा एनसीआर टी उस पर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन मैथ मैथ्स आपने एक चैप्टर एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लिया लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आई सॉ द कमेंट सेक्शन की मैम हमने एनसीईआरटी से कर लिया अब कैसे पता लगेगा कि हमें कितना आता है द बेस्ट वे टू चेक दिस इज द क्वेश्चन बैंक्स क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आप उनसे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा थर्ड थिंग कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई टॉपिक स्कूल में नहीं हुआ आपको पढ़ना है तो येस यू हैव द यूट्यूब चैनल आप यहाँ आइए यू चेक द प्ले आपको हर एक सेशन मिल जाएगा आपको वन शॉट चाहिए आपको अंडर टेन मिनट चाहिए एवरी थिंग इज देयर सो प्लीज ये सारे आपके रिसोर्सेज आपको पहले पता होने चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है हर चीज मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है और टू मच रिसोर्सेज अपने पास क्रिएट मत करो जो बुक कर रहे हो उसको अच्छे से करो सो so, रिसोर्सेज समझ आ गए नाउ वट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्केड्यूल हमारा अप्रोप्रिएट स्केड्यूल फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी कोई भी आपको कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए कुछ भी हो जाए आप स्कोर नहीं कर सकते बिकॉज एट द एंड इसमें मेजर एफर्ट आपका है राइट वी आर जस्ट हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको हेल्प कर सकते हैं इस जर्नी में सो फर्स्ट थिंग अपने स्केड्यूल के ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए इफेक्टिव टाइम टू स्टडी आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है वेदर यू आर अ मॉर्निंग लॉक आपको आप जल्दी उठते हैं आपको सुबह उठ के पढ़ना पसंद है और यू आर अ नाइट आउल आप रात को देर से सोते हैं तो आप रात को पढ़ते हैं सो स्कूल डेज में आई वुड सजेस्ट यू कि बेटर है कि आप अपना मॉर्निंग में जल्दी उठिए टाइम से सो एंड टाइम से उठो एंड उसी रूटीन में मैनेज करने की कोशिश करो आई विल टेल यू प्रॉपर टाइम टेबल आप क्या फॉलो कर सकते हो रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू आपको जो सूट करता है आप उस अकॉर्डिंग करिए नेक्स्ट थिंग इज आइडियल स्टडी स्पेस ये मत करिए कि दैट यू आर लाइंग ऑन योर बेड सिटिंग ऑन योर बेड देन यू आर स्टडिंग ट्रस्ट मी यू विल फील स्लीपी आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा सो आइडियल स्टडी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां आपको लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं मुझसे आराम से बैठ के यहां पर मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई की जा सकती है एक और चीज कभी कभी हम क्या करते हैं प्रॉपर अपना स्टडी टेबल वगैरह सब सेट कर लेते हैं हम वहां बैठ के पढ़ रहे हैं बट वहां पर भी क्या होता है एक ही जगह पर लगातार आप बैठ के पढ़ते हो आप थोड़ा सा आपको यू नो बॉर्डम फील होता है मोनोटनस लगता है एट दैट टाइम जब आपको ऐसा लगता है गैरअप आप अपना कोई थियोरटिकल सब्जेक्ट उठा लो चेंज द सब्जेक्ट उसी वक्त अपना सब्जेक्ट चेंज करो या फिर आप वॉक करके अगर आपके पास कोई थियोटिकल सब्जेक्ट है यू आर लर्निंग फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं सो तो आप उसको वॉक करके याद करिए एंड सेट अलाउड सो दैट यू कैन हियर योर ओन वॉइस इस तरीके से आप उसको याद भी रख पाते हो और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वो याद भी रहता है मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वे ऑफ स्टडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सी जब भी आप पढ़ाई करने लगते हैं ना कई लोग क्या करते हैं कि बस बुक को देख के पढ़ते जाते हैं सेम चीज आप रिपीट करते रहते हैं एज said, आप बोल रहे हो तेज बोल के पढ़ो मोर ओवर मेक नोट्स नोट नोट मेकिंग डजेंट मीन कि आप सब कुछ नोट डाउन कर लो यू जस्ट समराइज द एंटायर ट्राई टू समराइज द एंटायर थिंग इन फ्यू वर्ड्स कुछ की वर्ड्स में समराइज करो राइट right? कोई भी आप स्टडी रूटीन अपना फॉलो करना चाहते हो पहले मेक अ चेक लिस्ट कि मुझे आज क्या क्या करना है और मैं कितना कर पा रही हूँ आप अपनी यू you नो know, अपनी प्रोडक्टिविटी डे टू डे बेसिस पे आप चेक करते हो कि मुझसे कितना हो पाता है और कितना नहीं हो पाता है उसका रीजन क्या है सो so आपको पूरा पूरा अपने ऊपर एक चेक रखना है एक तरह से एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्री आवर्स रिवाइज रेस्ट एंड रिव्यू आप कोई चीज़ पढ़ते हो आपने पढ़ा लेट्स सपोज आपने कोई टेन पॉइंटर्स पढ़े ओके पढ़ लिया एक बार आपने क्विकली समराइज किया माइंड में उसके बाद आप क्या करोगे अ ब्रेक ये बहुत सही तरीका है पढ़ने का टेक अ ब्रेक माइंड को ब्रेक दो रिलैक्स करो उसके ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं दोबारा से एक बार याद करने की कोशिश करो कि आपको सब कुछ याद है मैक्सिमम टाइम याद रहता है नहीं याद रहता है तो आप उस चीजों को दोबारा रिवाइज करिए एक बार सो so, इस तरह से आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाती है जो बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं बिकॉज उनकी स्टडी टेक्निक ठीक नहीं है वो इसलिए भूल जाते हैं नाउ सो रिवाइज रेस्ट रिव्यू ये ट्रिपल आर सबके लिए वर्क करता है अगर अब तक आप नहीं करते हो प्लीज स्टार्ट डूंग अब हमारा एक्चुअल रोड मैप क्या होना चाहिए बिकॉज समर वेकेशन आर ओवर नाउ इट्स जुलाई हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो मैंने इसको तीन पार्ट में सेग्रीगेट किया फर्स्ट इज जुलाई टू ऑगस्ट हमारा जो ये वाला टाइम पीरियड है जुलाई टू ऑगस्ट वाला ये हमारे पास टू मंथ्स है देन यू हैव योर सितंबर जिसमें मोस्टली बच्चों के ऑगस्ट एंड या सितंबर में प्री आई मीन मिड टर्म्स चल रहे होंगे देन अक्टूबर नवंबर जो हमारे पास बीच में एक यू you नो know, एक टाइम आता है जब टेस्ट तो नहीं हो रहे होंगे मे बी पीरियोडिक टेस्ट छोटा मोटा कुछ होगा ओके, सो जुलाई ऑगस्ट इन टू मंथ्स में आप क्या कर सकते हो आई एम एक्सपेक्टिंग इन टू मंथ्स में आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में साथ साथ सो so ये सोच के कीपिंग दिस इन माइंड आई हैव मेड दिस सो इस टाइम पीरियड में आई नो सबका सिलेबस तो अभी हुआ नहीं है यू आर स्टडिंग न्यू कॉन्सेप्ट आल्सो आप अपने सिलेबस को नया सिलेबस भी कर रहे हैं साथ साथ, -साथ आप छोड़ना नहीं है नंबर हो गया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया वट एवर इज डन वो छोड़ना नहीं है वो रिवाइज करते रहना है ठीक है वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको टाइम टेबल फॉलो करना है तो नए कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जिसके लिए आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो आप खुद अपना समराइज करके लिख रहे हो अपने हैंड रिटन नोट सबसे बेस्ट होते हैं राधर आई नो एवरीवेयर गूगल पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आपको हम लोग भी नोट्स दे देंगे बट प्लीज सब कुछ समझने के बाद मेक योर ओन नोट्स वो सबसे बेस्ट होगा जो आपको सबसे ज्यादा आप उससे रिलेट कर सकते हो अपनी लिखी हुई चीज़ से लास्ट थिंग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नए कॉन्सेप्ट पर भी पुरानों पर भी एंड क्रिएट अ फॉर्मूला शीट बनाओगे वेदर इट्स मैथ्स के लिए फिजिक्स के लिए सोशल साइंस है साइंस है तो माइंड मैप्स बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको जब आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तब भी करना है पुराना रिवाइज कर रहे हो तब भी करना है सो जुलाई अगस्त में आपके पास ये वाला काम साथ, -साथ चलता रहेगा लॉन्ग विद योडिक टेस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट मंथ वी हैव आर मिड टर्म्स सो मिड टर्म्स के अंदर कुछ नया तो आप नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं है आप सिर्फ एग्जाम दे रहे होगे तो सोशल साइंस में जितना कर लिया वो करोगे मैथ्स में जितना कर लिया वो करोगे सो दिस इज द टाइम फॉर रिविजन हम सिर्फ रिविजन कर रहे होंगे वो जो सेवन एट चैप्टर्स हो चुके हैं और हम सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे आप अब चेक करेंगे कि सैम्पल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं हमें कितने आते हैं एंड पी वाई क्यूज जितने चैप्टर्स कर लिए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ट्राई करोगे सो so, ये टाइम सारा चला गया आपने जितना पहले पढ़ा था उसको आपने फुल फ्लेजिडली खत्म कर दिया प्री वाई क्यूज करके सैंपल पेपर्स करके एवरीथिंग अब अब हमारे मिड टर्म्स ओवर हो गए हैं तो अक्टूबर नवंबर में क्या वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द सिलेबस को हम कवर करेंगे इन द सिमिलर मैनर हम अपने माइंड मैप्स बनाएंगे फॉर्मूला शीट्स बनाएंगे हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उनपे एंड अगेन फॉलोड बाय प्रैक्टिस क्वेश्चंस पिछला साथ साथ चलता रहेगा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड सेम स्ट्रेटेजी फॉलो होगी बट ये सब कुछ क्या इतने टाइम में हो जाएगा यस इज इट पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है कैसे अगर हम टाइम टेबल को देखें ध्यान से सो so ये टाइम टेबल मैंने ये ध्यान में रख के बनाया है कि टिल टू पी एम यू हैव योर स्कूल आपका स्कूल होता है टिल टू पी एम उसके बाद टू थर्टी टू फोर का आई डोंट नो वट टाइम यू कम बैक फ्रॉम स्कूल एक्जैक्टली तो मैंने टू थर्टी टू फोर का टाइम दिया है आपका लंच करने के लिए एंड रेस्ट ये डेढ़ घंटा वन एंड हाफ आवर आप लंच करिए टीवी देखिए रेस्ट करिए वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट यू हैव टू स्टिक टू दिस टाइम टेबल अब चार बज गए अब चार बजे क्या करना है फोर टू फाइव यू गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग यूर असाइनमेंट्स अपने होमवर्क कंप्लीट करिए एक घंटे में आप क्योंकि मैम होमवर्क इतना मिलता है एक घंटे में हो नहीं सकता सी एव बीन थ्रू द सेम थिंग सेम एज से निकले आई कैन अंडरस्टैंड बट होमवर्क के लिए आई टेल यू वन थिंग आप होमवर्क में सिर्फ उस चीज को कंसिडर करते हैं मे बी जो कॉपी करने वाला काम है चीज आप कर सकते हो व्हेन यू हैव योर फ्री पीरियड्स कोई अरेंजमेंट्स होते हैं स्कूल में ट्राई कंप्लीटिंग जो आपको लगता है सिर्फ कॉपी करने वाली चीजें चीजें आपको लगता है कि ये कुछ असाइनमेंट्स मिले हैं जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं उनको आप होमवर्क में ना इंक्लूड करके जो आपका एक्चुअल सेल्फ स्टडी टाइम है उसी में ही इंक्लूड कर दो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई करिए वन थिंग तो ये बस कॉपी वाला होमवर्क है जो असाइनमेंट प्रैक्टिस वगैरह मिल रहे हैं कुछ आपको क्वेश्चन फाइंड करने उनके आंसर्स निकालने इट्स बेटर वो आप अपने एक्चुअल स्टडी रूटीन में इकॉपोरेट करिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे देन टू सपोज आई एम जस्ट दैट वी डू मैथ्स सो क्या करा हमने एक दिन कोई भी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले हम उसकी एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स तो मुझे अगर आज ट्रिग्नोमेट्री करना है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के लेट सपोज फि क्वेश्चन करने वाली हूँ मैंने अपनी टू डू लिस्ट आज की बनाई है आज मुझे कोई साइंस का असाइन असाइनमेंट करना है असाइनमेंट करना है कोई साइंस टॉपिक करना है मुझे आज सोशल साइंस के अंदर लेट्स सपोज मुझे सिविक्स के अंदर आई हैव टू डू और आई हैव टू रीड टू पेजेस टू पेजेस के मुझे नोट्स बनाने इस तरह से आप अपनी एक लिस्ट बना लो आज का मेरा टारगेट ये है ठीक है उसके बाद आपने एक घंटा मैथ्स किया 10 15 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे देन 6 टू 6:30 यू टेक अ ब्रेक प्रॉपर ब्रेक लो एंड जो भी करना है आपको ब्रेक में हाफ एन आवर ब्रेक देन सिक्स थर्टी टू सेवन हाफ एन आवर आप कोई भी साइंस टॉपिक कर सकते हो आपको क्योंकि मैम हाफ एन आवर में साइंस टॉपिक कैसे होता है बिल्कुल हो सकता है इफ यू कम हियर ऑन द चैनल यू वॉच द वीडियो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप हाफ एन आवर में आराम से स्पीड इंक्रीज करते हुए नोट्स बनाते हुए आप कर सकते हो सी थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो भी गया इट्स ओके okay. वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं सो so, जैसे आज आपने पढ़ लिया थोड़े से नोट्स बना लिए कल आपने रिवाइज कर लिया उस पर क्वेश्चन आउट कर लिए सेवन टू एट पी आपने कोई स्टी टॉपिक ले लिया लेट सपोज आपने जैसे कहा कि आज मुझे सिविक्स के टू पेजेस रीड करने हैं तो आपने वो कर लिया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने आपने लिख लिया उसको समराइज कर लिया एट टू नाइन पी देन वन आर अगेन दर इज अक यू हैव योर डिनर यू वॉच टीवी या जो भी करना है एक घंटे का ब्रेक सो so, बीच में ब्रेक्स रखते हुए चलो एंड उसको प्रॉपरली फॉलो करो नाइन टू टेन पी एम मैंने रिवाइज के लिए क्यों कहा है सी इट्स नॉट दैट आपको टेन ओ क्लॉक यू हैव टू गो टू स्लीप इट्स जस्ट दैट आप इसके आगे भी एक्सटेंड करना चाहते हैं यू कैन डू इट सिर्फ मैंने इसलिए रखा है जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप जो भी आपने फैक्ट्स लर्न करे हैं जो भी मगिंग अप वाला पार्ट था उसको सोने से पहले जरूर रिवाइज करो एज आई सेट सोने से पहले जब आप उसको रिवाइज करते हो जो आपने पढ़ा था फैक्ट्स की बात कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसको उठकर जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसको रिवाइज करोगे ट्रस्ट मी आप वो चीज़ भूलते नहीं हो वो ये साइंटिफिकली प्रोवन है कि वो आपकी मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फीड हो जाता है सो बेस्ट वे है कि आपको कोई भी फैक्ट्स याद करने के लिए सो इस टाइम टेबल में आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हो बट वट आई वॉन्टेड टू शो इज़ कि स्कूल डेज में भी आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है सी होमवर्क के लिए आप लेखिए एक घंटा आपको मिल रहा है मैथ्स के लिए आपने यहाँ पर ले लिया वन आवर यहां पर हाफ एन आवर वन आवर सो so, आपके पास टू एंड हाफ आवर्स यहां पर हो गए एंड आपका होमवर्क का भी एक घंटा थ्री एंड हाफ आवर्स एंड एक घंटा यहाँ पर फोर एंड हाफ आवर्स सो फोर एंड हाफ आवर्स विद ब्रेक्स आप कर रहे हैं मैम एम सेंग टेन ओ क्लॉक यू गो टू बेड आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो थोड़ा बहुत उसे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बट स्टिल इफ यू वॉन्ट तो आप मैनेज कर सकते हो बट इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है इतना ज़्यादा इसको प्रेशराइज नहीं होना है इस चीज़ से आपको एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए चलना है सी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स हो साइंस हो सोशल साइंस हो हर सब्जेक्ट के लिए बट मेंटल कामनेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है जब ये बैलेंस आउट होता है ना उट so, करते हुए चलना है एंड रिमेम्बर जस्ट वन थिंग करने के लिए थ्री आवर्स को ध्यान रखना ट्रस्ट में आपका काम बहुत कम हो जाएगा जो चीज आपको बार बार पढ़नी पड़ती और आपको याद नहीं होती आप ये थ्री आवर्स फॉलो करके देखो आप पढ़ो टेक अ ब्रेक रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको रेस्ट करना है यू टेक अब वापस आने के बाद दोबारा उस चीज को पढ़ो ट्रस्ट मी वो आपको याद जल्दी होगा और याद भी लंबे टाइम तक के लिए रहेगा सो ट्राई दिस आउट सो ये टाइम टेबल एज आई टोल्ड यू कि नवंबर तक सिलेबस अगर आपको कवर करना है और आप डेली इतना इतना टाइम दे रहे हैं आप थ्री एंड हाफ आवर्स की सेल्फ स्टडी इट्स मोर देन अनफ इट्स सीरियसली मोर देन अनफ आपको रिक्वायर्ड ही नहीं अगर आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हो ये भी तब भी मैं कह रही हूँ अगर आप संडेज को या अपना एक वीकडे में आप एक दिन आप प्रॉपर ब्रेक लेना चाहते हो तो भी पॉसिबल है बट मेक श्योर कि आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए सो डोंट वरी स्टूडेंट्स आई इल कीप कमिंग अप विथ सच सेशन्स आई कीप गाइडिंग यू कि आप कैसे कैसे किस मंथ में कैसे पढ़ सकते हैं स्टेप बाई स्टेप वी विल टेल यू सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू फील दैट दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू थैंक यू सो मच बय